अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुआ नूर किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको खैर और आफियत से रखे और आप सब पर अल्लाह ताला अपना रहम और करम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और चिकन के बहुत ही मज़ेदार से बोटी कबाब, आलू चिकन बोटी कबाब। चिकन को हमने बॉयल किया, उसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और काली मिर्च डाली और उसको बॉयल कर लिया और इसको इतने इतने पीसीस में हमने कर लिया, मोटा मोटा सा, यानी कि हमने इसको श्रेड नहीं किया, बोटियों की तरह हमने इसको कर लिया। आलू हमने बॉयल कर लिए, हमने लिए एक प्याज जिसको हमने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया, सब्ज धनिया। इसमें डालने के लिए हमने जो स्पाइसेस लिए उनमें शामिल है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया जिसको हमने दरदरा सा कर लिया यानी कि क्रश कर लिया, और 1 टीस्पून हमने ली काली मिर्च। काली मिर्च को हमने चिकन में भी शामिल किया था, अब सिर्फ हमें आलूओं के सामान की ज़रूरत है, और 1 टीस्पून ही हमने लिया नमक, और हमने लिया 1 टेबल स्पून सब्ज मिर्च। अब हम सारी चीज़ें आलुओं में शामिल कर लेंगे, और हमने लिया 1 अदद अंडा, अंडे में हम थोड़ा सा सब्ज धनिया फेंकेंगे और 1 पिंच हम डालेंगे इसमें नमक, और 1 पिंच ही हम डालेंगे इसमें काली मिर्च, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से बीट, यानी को हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसको करेंगे हम एक साइड पे। आलू और चिकन को बॉयल कर लेते हैं, ये बहुत ही झटपट से हो जाते हैं तैयार। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे बहुत सारा सब्ज़ धनिया और क्रश प्याज। कुछ हम पहले शामिल कर लेते हैं, अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत पड़ी तो हम ये भी शामिल कर लेंगे, और नमक, ज़ीरा और सारे पाउडर मसाले हम शामिल कर लेंगे, और इसमें ही साथ ही हम शामिल कर लेंगे इसमें चिकन की बोटियाँ, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। ये हाथों की मदद से ही मिक्स होगा, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इनको कर लिया हमने अच्छे से मिक्स, इसका थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबल 2 से 3 टेबल स्पून चीज़, और प्याज भी हम शामिल कर लेंगे, और फिर कर लेंगे हम इनको मिक्स। चीज़ हमने डाली, बच्चे कह रहे हैं मामा चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही डालें क्योंकि बच्चे चीज़ बहुत ही पसंद करते हैं। हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून चीज़ और शामिल कर लेंगे, इससे बहुत ही मज़े के बनते हैं कबाब, और इसको भी हम कर लेंगे मिक्स। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसके बना लेंगे कबाब। हम लेंगे, हाथों को करेंगे आयल से ग्रीस, और ये देखिए इसके हम बना लेंगे कबाब। आप गोल बना लें, जिस शेप में आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। हम थोड़े चकोर शेप में हम बनाएंगे कबाब। सारे कबाबों को हम कर लेंगे तैयार। गाइस ये बहुत ही मज़े के और डिलीशियस से बनते हैं, और इसमें मसाले तो बहुत ही कम हैं। बच्चों को छोटे, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। आप इनको बना के एयरटाइट डब्बे में रख लें और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें, या वैसे छोटे बच्चों को वैसे भी बहुत ही ये पसंद होते हैं। इसी तरह हम सारे कबाबों को कर लेंगे तैयार। कबाब हमारे हो गए हैं तैयार सारे, अब हम इनको करेंगे फ्राई। इनको फ्राई करेंगे हम शैलो फ्राई करेंगे। हम लेंगे एक पैन, पैन में तवा पैन ले लें या कोई भी पैन ले लें, उसमें डालेंगे आयल हसी ज़रूरत, और इसको कर लेंगे गरम। अच्छे से इसको कर लेंगे हम गरम। आयल हो गया है अच्छे से गरम, अब हम लेंगे कबाब और इसको करेंगे हम अंडे में ऐसे डिप, और इसको हम डालेंगे पैन में। फिर हम लेंगे कबाब, इसी तरह सारे कबाबों को हम
पैन में शामिल कर लेंगे। अब हम करेंगे इनकी साइड को चेंज। फ्लेम को रखेंगे हम बिल्कुल मीडियम पे और सारे कबाबों की साइड को कर लेंगे हम चेंज। तो गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए हैं तैयार। अब हम करेंगे इनको डिश आउट। तो देखें गाइस तैयार है मज़ेदार से आलू बोटी चीज़ कटलेट कबाब। गाइस आप बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करें और मज़ेदार से चीज़ बोटी कबाब बनाएं और मज़े से खाएं। और दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।